अब अखिलेश वरुण गांधी से मिलाएंगे हाथ, सपा में शामिल होकर राज्यसभा जाएंगे वरुण गांधी, भाजपा छोड़कर विपक्षी एकता को करेंगे मजबूत। वरुण भाजपा छोड़ गए तो यूपी का बड़ा जनाधार विपक्ष के पाले में आ जाएगा। राहुल अखिलेश जयंत से वरुण गांधी की चल रही गुप्त मीटिंग, अचानक चुनाव से एन पहले इस्तीफा बम फोड़ेंगे वरुण। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद हैं वरुण गांधी। लंबे वक्त से अपनी ही पार्टी भाजपा की सरकार के खिलाफ जड़ीले और विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे बीजेपी को लेकर उनकी नाराजगी जाहिर हुई है। ऐसे में बीजेपी के भीतर उनके सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब अंदर खाने खबर ये आ रही है कि वरुण गांधी 2024 में बीजेपी से अलग राजनीति करने की तैयारी कर रहे हैं। वरुण अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो यूपी में उनके सामने कई विकल्प खुले हैं। अगले 3 मिनट में हम आपको यही बताएंगे कि बीजेपी से अलग होने के बाद वरुण के सामने कौन से विकल्प हैं जिन्हें वो अपना सकते हैं। भाजपा से अलग होते ही उन्हें सपा, कांग्रेस, आरएलडी, बसपा हर जगह से वेलकम है। हाल ही में वरुण गांधी के एक बयान से कई संकेतों को बल मिला। उन्होंने कहा था वो ना तो कांग्रेस के खिलाफ हैं और ना ही नेहरू के खिलाफ। उनकी राजनीति देश को आगे बढ़ाने की है, ना कि गृह युद्ध पैदा करने के लिए। इस बयान से संकेत मिल रहे हैं कि वरुण कांग्रेस में एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। गांधी परिवार से जुड़े होने की वजह से संभावनाएं और भी ज्यादा हैं। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी लगातार वरुण गांधी से संपर्क में बनी हुई हैं। वरुण की कांग्रेस में एंट्री की जिम्मेदारी उन्हें ही दी गई है। यही नहीं, यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वरुण गांधी के राहुल गांधी के साथ जुड़ने के कयास लगे थे। कांग्रेस की तरफ से कई बीजेपी नेताओं को न्योता भेजा गया था। माना जा रहा था कि वरुण इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। शायद वरुण अभी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी वरुण गांधी के सपा या आरएलडी में शामिल होने के कयास लगे थे। खबर थी कि वरुण गांधी अगर इन दलों में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, हालांकि अटकलें सही साबित नहीं हुई। बावजूद इसके वरुण गांधी लगातार लखीमपुर खीरी और किसानों को लेकर सरकार की नीतियों पर निशाना साधते रहे। अगर वरुण बीजेपी से अलग होते हैं तो वो एक बार फिर से सपा या आरएलडी में आ सकते हैं। हालांकि बसपा का विकल्प भी उनके सामने खुला हुआ है। उनके सामने एक विकल्प और है। वरुण अगर कांग्रेस, सपा, आरएलडी या बसपा में शामिल नहीं हुए तो अपना नया दल भी बना सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 से पहले वरुण यूपी बीजेपी का एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे और बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शामिल थे। 2017 में वो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल भी थे। हालांकि बाद में बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री घोषित किया। इसके बाद वो पार्टी में किनारे चले गए। ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं, हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इन दिनों वरुण गांधी और अखिलेश यादव की गुपचुप मुलाकातों की हो रही है। यकीनन समाजवादी पार्टी वरुण के साथ मिलकर कोई बड़ा सियासी प्लान तैयार कर रही है जिससे 24 के चुनावों में बीजेपी को अचानक से एक तगड़ा झटका दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।